हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़। इस सेशन में हम लोग देखेंगे अगस्त रिजोल्यूशन के बारे में, क्रिप्स प्रपोजल के बारे में, वेवल स्कीम और कैबिनेट मिशन के बारे में। इन सब के बाद एंड में माउंटबेटन प्लान आती है और इस प्लान के बेसिस पर इंडिया का पार्टीशन कर दिया जाता है और इंडिया इसी के साथ इंडिपेंडेंट भी हो जाता है। तो हम लोग माउंटबेटन प्लान के बारे में तो फ़िलहाल नहीं बात करेंगे क्योंकि हमें पूरी एक क्रोनोलॉजी चाहिए होगी, लेकिन फ़िलहाल इस सेशन में हम लोग जितने भी माउंटबेटन से पहले जितने भी प्रपोजल्स आए थे, जितने भी तरीके आए थे ब्रिटेन की तरफ से, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और उनके बेसिक्स को देखेंगे। जनरली एस्पिरेंट्स के मन में इन चारों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि आखिर में बेसिक डिफरेंस क्या है इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिक चीज़ें, इसी को हम लोग आज देखेंगे और जितने भी डाउट्स हो सकते हैं उन सारे डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे अगस्त रिजोल्यूशन के बारे में कि आखिर में ये अगस्त रिजोल्यूशन है क्या। देखिए, अगस्त रिजोल्यूशन की कहानी को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये ईयर कौन सा है। तो यहाँ पर ये बातें चल रही हैं फ़िलहाल, ये 8 अगस्त 1940 की, 8 अगस्त 1940 की ये बात चल रही है। इस दौरान में हुआ क्या था कि कांग्रेस ने अपनी एक जो नॉर्मल समिट्स होती हैं, जो सेशंस होती थी, वही नॉर्मल सेशन हुई थी, कांग्रेस की सेशन हुई थी। और ये कांग्रेस की सेशन इस समय हुई थी बिहार में। बिहार में एक जगह है रामगढ़, रामगढ़ में ये सेशन हो रही थी। और इस रामगढ़ सेशन में जो बेसिकली यहाँ के नेता लोग थे, उन लोगों ने कहा, ब्रिटेन को एक रेजोल्यूशन दिया और ये कहा कि हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने दीजिए, इंटरिम दिस नेशनल गवर्नमेंट बनाने दीजिए। और इस गवर्नमेंट के बेसिस पर हम लोग आपको वर्ल्ड वॉर टू में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली प्रपोजल आया था अंतरिम गवर्नमेंट को लेकर के, कि अल्टीमेटली अगर आप अंतरिम गवर्नमेंट बनाने देते हैं तो हम लोग आपको वर्ल्ड वॉर के लिए सपोर्ट करेंगे, वर्ल्ड वॉर में आपको जाने देंगे। तो इस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लिनलिथगो। तो लिनलिथगो ने साफ तौर पर ये जो अंतरिम गवर्नमेंट की बात थी उसको साफ तौर पर जो है इसे अनएक्सेप्ट, मतलब कि इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया, इसे हटा दिया गया। और बजाय इस अंतरिम गवर्नमेंट के इन्होंने कुछ लॉलीपॉप्स दिए थे, वो लॉलीपॉप ही अगस्त रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यही जो है अगस्त रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब इस लॉलीपॉप में क्या क्या चीज़ें थी ये आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया था वो ये कहा गया था कि हम लोग वॉर ख़त्म होने के बाद में आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। तो डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वॉर, ये देने की बात कही गई थी। सेकंड, ये कहा गया कि वॉर के बाद में कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को हम आपको देंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को हम लोग आपको देंगे ताकि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे, लेकिन आफ्टर वॉर, हम लोग वॉर के बाद के बारे में बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो कही गई वो ये कहा गया कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, इस काउंसिल में हम लोग इंडियंस की जो संख्या है, इंडियंस का जो नंबर है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, उसकी संख्या को हम बढ़ा देंगे ताकि इंडियननेस ज़्यादा आ जाए। चौथी चीज़ ये कही गई कि हम लोग एक वॉर एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, वॉर एडवाइजरी बोर्ड बोलिए या काउंसिल बोलिए, जो भी बोलना है, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे और यहाँ पर जो मेंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे इंडियंस को रखा जाएगा, सारे मेंबर्स जो है वो इंडियन मेंबर्स को रखी जाएगी। तो ये तरीका, ये एक तरीके से कह लीजिए कि प्रपोजल दिया गया था अगस्त रिजोल्यूशन के रूप में इंडियंस को। लेकिन इस अगर रिजोल्यूशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, सारी बातें आफ्टर वॉर के बारे में है। तो बेसिकली एक तरीके से ये एक लॉलीपॉप था कि आप वॉर में हमें सहायता दे दीजिए, उसके बाद से जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को हम लोग पूरा कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस रेजोल्यूशन को कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं किया जाना था, न तो कांग्रेस, न तो गांधी ने और न ही जिन्ना ने, किसी ने भी एक्सेप्ट इस रेजोल्यूशन को नहीं किया था। इस रेजोल्यूशन के ख़त्म होने के बाद में तुरंत ही सीन जो है वो इंडिया, जिस क्विट इंडिया प्रोग्राम का आ जाता है और पाकिस्तान की भी डिमांड हो जाती है। तो यहाँ पर इसके बाद से क्विट इंडिया प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ में मुस्लिम लीग जो है वो अब पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर देती है, सेपरेट स्टेट पाकिस्तान की डिमांड कर लेती है। और इसी पाकिस्तान के ही स्कीम को देखते हुए वापस से एक नया रेजोल्यूशन आता है जिसको बोला जाता है क्रिप्स प्रपोजल। क्रिप्स प्रपोजल, इस क्रिप्स प्रपोजल की जो शुरुआत हुई थी ऑब्वियस सी बात है 1942 में आई थी। और इस समय जो इंडिया के सेक्रेटरी थे उसका नाम था एमरॉय,
इमरॉय जो है वो इंडिया के सेक्रेटरी थे। और इस समय ब्रिटेन में गवर्नमेंट किस चीज़ की चल रही है, मतलब किसकी चल रही है, ब्रिटेन में गवर्नमेंट है कंजर्वेटिव पार्टी, जो कि शुरू से ही चल रही है कंजर्वेटिव पार्टी। यहाँ पर चर्चिल की गवर्नमेंट चल रही थी, विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट चल रही थी। तो यहाँ पर अब क्रिप्स प्रपोजल में क्या कहा गया, उन्होंने देखा कि यार देखो इंडिया में जो है वो पाकिस्तान की डिमांड हो रही है, सेपरेट स्टेट की डिमांड हो रही है। तो इन्होंने थोड़ा सा अगस्त रिजोल्यूशन में, या फिर कह लीजिए अगस्त जो प्रपोजल था, उसी में थोड़ा सा चेंजेस लाया गया। क्रिप्स प्रपोजल में ये कहा गया था, सबसे पहला पॉइंट इन्होंने ये कहा कि हम लोग आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर वॉर। वही सारी चीज़ें जो अगस्त में कही गई थी, अगस्त रिजोल्यूशन में ललित गो वाले टाइम पे कहा गया था, वही यहाँ पर भी कहा गया, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। दूसरा, जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वहाँ पर इंडियन की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही सेम काम कहा जा रहा है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आफ्टर वॉर वाली हैं, यहाँ पर भी ये आफ्टर वॉर है। ठीक है, फिर उसके बाद से ये कहा गया कि हम लोग एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग से बनाएंगे, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है एक तरीके से कह लीजिए कि इंडिया का इंडिया में किस तरीके से गवर्नेंस हो, इंडिया में कैसे शासन चले, उसके बारे में थी। और ये कहा गया कि इसमें टोटल के टोटल इंडियंस ही रहेंगे, केवल इंडियंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और बात कही गई कि जो डिफेंस का मामला रहेगा वो ब्रिटिश के पास में रहेगा, ब्रिटिश के पास रहेगा डिफेंस का मामला। लेकिन ये भी कब बनाया जाएगा, आफ्टर वॉर बनाया जाएगा, अभी नहीं बनाया जाएगा। चौथी बात ये कही गई कि जो भी स्टेट या जो भी टेरिटरी, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी बनाई जाएगी। फिफ्थ पॉइंट में, इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट में इस चीज़ को ऐड कर लीजिए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, कंस्टिट्यूशन के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और ये असेंबली ऑब्वियसली आफ्टर वॉर बनाई जाएगी। वॉर के बाद जो होता है वापस से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और इसी के बेसिस पे कंस्टिट्यूशन बना दिया जाएगा। तो ऊपर के जो चार पॉइंट देखेंगे आपको लगेगा सारा का सारा पॉइंट क्या है, बेसिकली अगस्त रिजोल्यूशन वाला ही सारे पॉइंट है, और एक्चुअल में अगस्त रिजोल्यूशन वाले ही सारे पॉइंट हैं भी। फिफ्थ पॉइंट में ये कहा गया था कि जो भी टेरिटरी या जो भी एरिया कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात को नहीं मानते हैं या फिर चाहते हैं सेपरेट रहना, दे कैन रिमेन सेपरेट, वो लोग अपना सेपरेट रह सकते हैं। तो ये एक नया पॉइंट ऐड कर दिया गया था अगस्त रिजोल्यूशन में। ऑब्वियस सी बात है कि अगस्त रिजोल्यूशन भी किसी को एक्सेप्ट नहीं होगा, तो कांग्रेस ने और गांधी ने, इन सब लोगों ने बोला था कि दिस इज़ पोस्ट डेटेड चेक। कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये जो है अपडेटेड, दिस इज़ अपडेटेड अगस्त रिजोल्यूशन है, इसमें कुछ और बात नहीं है। तो सब ने जो होता है वो कहीं ना कहीं से जो होता है इस प्लान को वापस से रिजेक्ट कर दिया था। अब बारी आ रही थी कि मुस्लिम लीग की, यानी कि जिन्ना की, तो जिन्ना के लिए फेवरेबल चीज़ तो लिख तो गई थी कि ये लोग अलग रह सकते थे या अपना अलग एरिया बना सकते थे, लेकिन जिन्ना ने भी इस चीज़ को रिजेक्ट कहा। इन्होंने ये कहा कि यार इसमें खुल के नहीं लिखा है पाकिस्तान, हमें जो है कम्युनल बेसिस पर टेरिटरी चाहिए, कम्युनल बेसिस पर हमें एक नई टेरिटरी चाहिए, हमें एक नया पाकिस्तान टेरिटरी, एक नया एरिया चाहिए होगा बेस्ड ऑन कम्युनल बेसिस। तो इस वजह से इन्होंने भी क्या किया था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पर जो ब्रिटिश थे उनकी हालत थोड़ी सी और गड़बड़, यार एक्सेप्ट नहीं हुआ। और उसके बाद से इन्होंने थर्ड प्लान भेजा, दैट इज़ द वेवेल स्कीम। वेवेल स्कीम फिर आती है, ये वेवेल स्कीम जो आई थी वो आई थी 1945 में स्कीम आती है। इस दौरान होता क्या है कि ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाला रहता है, तो ब्रिटेन में इस समय इलेक्शन होने वाला है। इनफैक्ट ये जो वेवेल स्कीम है ये आ रही है मार्च में, और जून में, नियर अबाउट 10 जून को इलेक्शन रहता है ब्रिटेन में, ऑब्वियसली प्रधानमंत्री के लिए, प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। दो पार्टीज़ रहती हैं, एक पार्टी वही जो कंजर्वेटिव पार्टी है, दिस इज़ कंजर्वेटिव पार्टी, और सेकेंड पार्टी होती है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनका नाम रहता है एटली, दिस इज़ एटली। ठीक है, और जो कंजर्वेटिव है इनके तो चर्चिल हैं, इसमें कुछ बताना ही नहीं है, चर्चिल तो जो कि अभी भी प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पर एटली हैं। तो इलेक्शन तो होने वाला है 10 जून 1945 को, तो ये तो बात की बात आएगी, लेकिन फ़िलहाल वेवेल स्कीम पहले ही आ गई थी। वेवेल स्कीम में ये कहा गया, थोड़े से इसको चेंजेस किए गए क्योंकि ऊपर वाला इनका प्लान जो होता है वो फेल हो गया था, तो इन्होंने वेवेल स्कीम में थोड़ी सी नई चीज़ें कही गई। इन्होंने कहा कि देखिए सबसे पहले एक सेंट्रल, हम लोग एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएंगे,
सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एक नया काउंसिल बनाएंगे और इस काउंसिल में वायसराय होंगे, वायसराय और कमांडर इन चीफ रहेंगे और ये दोनों लोग जो होता है वो ब्रिटिश रहेंगे, मतलब ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। लेकिन इसमें जितने भी बाकी मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स इंडियंस रहेंगे, बाकी जितने भी मेंबर रहेंगे वो इंडियन रहेंगे, तो इंडियन का यहाँ पर बोलबाला रहेगा, ऐसा इनका कहना था। दूसरी चीज़ ये कही गई कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई जाएगी, दिस एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाई जाएगी इसमें जो इंडियन मेंबर रहेंगे, इसमें कोशिश ये की जाएगी कि ऐसा है कि आप हर तरीके का रिप्रेजेंटेशन रहे, तो रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई कि हर तरीके से हम रखेंगे। बाकी ये डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली इंडियन पीपल ही डिपेंड करेगी, इंडियन पीपल ही डिसाइड करेगी कि आखिर में रिप्रेजेंटेशन किसका कैसे रखना है। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी ये एक इंटरिम सिस्टम की तरीके से काम करेगी, इंटरिम सिस्टम के तरीके से काम करेगी जब तक कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगी, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता है तब तक ये इंटरिम सिस्टम के तरीके से काम करेगी। अब यहाँ पर देखिए इस रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन कौन लोग हैं हमारे पास, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं और साथ ही साथ में कुछ माइनॉरिटीज़ भी हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, क्लियर। एक तो देखने का नज़रिया ये हो गया, दूसरा देखने का नज़रिया क्या है, दूसरा देखने का नज़रिया है कि कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है एंड अदर पार्टीज़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अदर पार्टी में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे यूनियनिस्ट पार्टी हो गई पंजाब की, या फिर किसान पार्टी हो गई, या फिर आपके जिस अम्बेडकर साहब की पार्टी हो गई, है ना। तो बहुत सारी पार्टीज़ थी उस समय, तो कोई बात नहीं है। इस रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर पहले एक पैक्ट होता है और उसको बोलते हैं हम लोग देसाई लियाकत पैक्ट। ये देसाई बेसिकली महादेव देसाई हैं और लियाकत पैक्ट, लियाकत तो खैर लियाकत जी ही थे, तो देसाई लियाकत पैक्ट होती है। इस पैक्ट में ये बोला गया था कि मुसलमान और हिंदू, ये दोनों आपस में हिंदू और मुसलमान, इन लोग का रेशियो जो होता है हम लोग एक काम करेंगे बराबर बराबर रख लेंगे और 20% माइनॉरिटी को रखा जाएगा। ये दोनों के बीच में जो होता है पैक्ट हुआ था। लेकिन हमारे जिन्ना साहब आ जाते हैं यहाँ पर, जिन्ना साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करती है, तो जितने भी मुसलमान हैं ये सारे मुसलमान मुस्लिम लीग से आने चाहिए और माइनॉरिटी खैर ये अपना आ ही रहे हैं, अब हिंदू कहाँ से आएंगे, हिंदू कांग्रेस से आ जाएंगे, ऐसा इनडायरेक्टली जिन्ना का कहना था। तो यहाँ से जो कांग्रेस है वो एक हिंदू पार्टी के रूप में निकल करके आ रही थी, ऐसा जिन्ना का कहना था कि हिंदू पार्टी, हिंदू रिप्रेजेंटेशन तो कांग्रेस कर ही रही है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जिन्ना करेंगे। लेकिन अगेन कांग्रेस को ये नहीं मंजूर था, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस में मेंबर्स थे जैसे मौलाना आज़ाद हो गए और बहुत तरीके के मेंबर थे जो बेसिकली मुसलमान थे और जो है कांग्रेस में थे। तो ये भी वैवल स्कीम भी जो होता है वो अल्टीमेटली फेल हो जाती है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन और इस तरी ये सारी जो बातें हो रही थी वायसराय के साथ में मिल करके, ये हो रही थी शिमला में, इसलिए हम लोग इसको शिमला समिट के नाम से भी जानते हैं, शिमला समिट 1945 का हम लोग इस नाम से भी इसे जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर हो गया क्या चीज़ है। अब लास्ट में अल्टीमेटली आती है कैबिनेट मिशन, इसके बारे में भी फटाफट देख लेते हैं क्या कह रही है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन ज़रा देख लेते हैं, दिस इज़ कैबिनेट मिशन। अब ये देखिए जो कैबिनेट मिशन आई थी, ये आई थी 24 मार्च 1946। अब यहाँ पर सीन क्या है ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर होता क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था कि 10 जून 1945 को ब्रिटेन में इलेक्शन हो जाता है और उस इलेक्शन के बाद लेबर पार्टी आ जाती है, लेबर पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्लीमेंस एटली जो होता है वो बन जाते हैं, एटली ये बन जाते हैं प्रधानमंत्री, और इनके मन में रहता है कि हमें इंडिया को फ्री करना है। तो सबसे पहली बात इंडिपेंडेंट इंडिया की जो बात है वो इन्हीं के मुंह से निकलती है और इन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया करने के लिए ही कैबिनेट मिशन को चूज़ किया था। तो ये कैबिनेट मिशन को चूज़ किया गया
कि जाओ इंडिया में जो होता है, इंडिया को अब फ्री इंडिया बनाने की बात, इंडिया में इंडिया को अब फ्री इंडिया बनने की बात आ गई है, इंडिया को फ्री कर दिया जाना चाहिए। और इस कारण से कैबिनेट मिशन को अल्टीमेटली जो होता है फॉर्म किया जाता है और कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर बात किया जाए कि आखिर में इस कैबिनेट मिशन का काम क्या था, मतलब आखिर में करने क्या आई थी कैबिनेट मिशन, तो देखिए कैबिनेट मिशन का काम था सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल तैयार करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन करानी है, कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी चीज़ एक इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है। तो यहाँ पर सीन ये हो रहा था कि आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, अच्छा एक और चीज़ इलेक्शन कराना था, इलेक्शन इलेक्शन दोनों ही तौर पे, एक यूनियन लेवल पे भी कराना था और साथ ही साथ में प्रोविंशियल लेवल पर भी कराना था। अल्टीमेटली इलेक्शन होता है, कांग्रेस कई जगहों से जीत करके आती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग से एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी, वहाँ फिर से इलेक्शन होना था। तो अब ये हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैसे बनाया जाए, तो कांग्रेस ने कहा कि यार देखो बेस्ट वे तो यही होता है कि इलेक्शन करा देना, लेकिन जो हमारे एटली साहब थे वो बड़े हड़बड़ी में थे, वो ये कहे कि कोई इलेक्शन विलेक्शन अब नहीं होगा, नो मोर इलेक्शन, बहुत ज़्यादा इलेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, हम लोग इतना इलेक्शन वगैरह इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो नो इलेक्शन। तो अब अल्टीमेटली सीन ये हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का केस यहीं से फिर सामने आता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और इस तरीके से 272 डेलीगेट्स जो होता है वो अलग अलग जगहों से भेजे गए थे और इस तरीके से अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन ने बोला क्या, कैबिनेट मिशन का काम क्या था, क्या रिकमेंडेशंस थी कैबिनेट मिशन की, तो इनकी रिकमेंडेशन के बारे में अगर देखा जाए तो देखिए सबसे पहली जो इनकी रिकमेंडेशन थी वो ये थी कि जो पूरा इंडिया है सब कॉन्टिनेंट जो है उसको तीन पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, सब कॉन्टिनेंट टू बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट, तीन पार्ट में ये सब कॉन्टिनेंट को डिवाइड किया जाएगा, ए बी एंड सी। ए का मतलब हो गया कि जो साउथ इंडिया का पार्ट है, साउथ इंडिया का मतलब हो गया आपका बॉम्बे हो गया, इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब मध्य प्रांत उस समय का, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना, तो ये सारे इलाके जो होता है ए में आ जाएंगे। हैदराबाद वगैरह इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो निज़ाम के अंडर में है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बी में कहा गया कि जितने भी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब हो गया जो सिंध बलूचिस्तान वाला इलाका है उधर, इसके अलावा सिंध का एरिया और पंजाब का एरिया, ये आ जाएगा बी में। और सी में आ जाएगा जो बंगाल का इलाका है, बंगाल और साथ ही साथ में असम का इलाका। तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ सपोज इंडिया, मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया है, एक सेकेंड यार गड़बड़ हो गया, ठीक है चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो समझ ही लेंगे। अब देखिए ये मान लेते हैं कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है, दिस इज सपोज इंडिया, तो यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है ये ए में रखा गया, दिस इज ए, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी की कहानी बात करें तो ये पार्ट जो है वो बी में आता था, ठीक है, ये पार्ट जो है बी में आता था। अब ये क्यों जे एंड के, क्योंकि ये जो होता है वो प्रिंसली स्टेट था इसलिए इसके बारे में कोई बातें नहीं कही जाएंगे, दिस इज बी, ये जो होता है वो बी के अंडर में चला गया। और सी के अंडर में चला गया, सी के अंडर में चला गया ये वाला इलाका, दिस इज सी, ये सी के पार्ट में चला जाता है। तो ये तरीका बताया गया था हमारे किसके द्वारा, हमारे दिस कैबिनेट मिशन के द्वारा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने क्या बोला, दूसरी चीज़ कहा जो ये पाकिस्तान किया जा रहा है, पाकिस्तान नहीं बनेगा, कंप्लीट रिजेक्शन, कोई पाकिस्तान नहीं बनेगा, कंप्लीट रिजेक्शन, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट रिजेक्शन कहा तो गया था लेकिन इसमें ये एक्चुअल में बातें ये थी कि जो एबीसी है इस एबीसी में से ही किसी को, जिसको भी जनमत होगा, जो भी रेफरेंडम जहाँ पर पास होगा वहाँ पर पाकिस्तान वगैरह बना दिया जाएगा, ऐसा इनडायरेक्ट वे में कहा गया था, डायरेक्टली पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया था, कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया गया था। तीसरी चीज़ कही गई, प्रोविंसेस जितने भी रहेंगे, जो भी प्रोविंसेस हैं, मतलब एक तो यूनियन लेवल पर रहेगा ही रहेगा, बाकी प्रोविंसेस लेवल पे जो भी रहेंगे उनको ऑटोनॉमी रहेगी, दिस इज ऑटोनॉमी रहेगी, प्लस साथ ही साथ में जितने भी रेजिडुअरी पावर हैं जो अभी तक वायसराय को रहते थे वो रेजिडुअरी पावर अब प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो ये प्रोविंसेस को दे दिया जाएगा, ठीक है, ये काम कहा गया।
अच्छा एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन के तौर पे क्लैरिफिकेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर क्या होती थी, डायरकी होती थी, है ना, डायरकी होती थी। डायरकी में क्या होता था कि यूनियन सिस्टम हुआ करते थे और प्रोविंशियल सिस्टम हुआ करते थे। प्रोविंशियल सिस्टम तो जो प्रोविंसेज में होते थे उनके अपने सब्जेक्ट होते थे, जैसे आज की डेट में हमारा स्टेट लिस्ट है ना, सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोविंशियल लिस्ट होती थी। और यूनियन लिस्ट में क्या होती थी, जो यूनियन की चीज़ें थी वो तो थी ही थी, प्लस साथ में रेसिडुअरी पावर भी आ जाती थी। अब आज की डेट में ये जो रेसिडुअरी पावर है ये किसके हाथ में है, रेसिडुअरी पावर जो डिफाइंड है, रेसिडुअरी पावर जो डिफाइंड है उसको हम लोग बोलते हैं आज की डेट में कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। और ये जो कंकरेंट लिस्ट है वो सेंटर प्लस स्टेट दोनों के हाथ में आता है। लेकिन जो नॉट डिफाइंड है, मतलब मान लेते हैं कि कहीं उड़ते हुए आ गया, हमें पता नहीं है, तो इसको रखा गया है पार्लियामेंट के साथ में। पार्लियामेंट ये आज की कहानी है, लेकिन उस समय कैबिनेट ने क्या कहा कि ये प्रोविंसेस के पास में रहेगा, कोई कैबिनेट मैग्नेट के पास में नहीं रहेगा या फिर पार्लियामेंट वगैरह के पास में नहीं रहेगा, ऐसा बोला गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो प्रोविंसेस को लिए गए ये कहा गया था। इसके अलावा और ये कहा गया था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं वो यूनियन के साथ में ही रहेंगी, इसमें प्रोविंसेस का कोई काम नहीं रहेगा, और वो है कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर फॉरेन रिलेशंस। ये जो चीज़ें हैं वो सेंटर के साथ में रहेंगी, यूनियन के साथ में रहेंगी और बाकी नहीं रहेंगी। चौथा पॉइंट ये बोला गया कि थ्री टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर बनाया जाएगा। एंड लेजिस्लेचर कहाँ कहाँ पर, मतलब थ्री टायर क्या है, एक आपके रहेंगे प्रोविंस में, दिस इज़ प्रोविंस, सेकेंड आपका रहेगा प्रिंसली स्टेट में, प्रिंसली स्टेट, और थर्ड आपका रहेगा यूनियन लेवल पे, सो दिस इज़ यूनियन लेवल। तो थ्री टायर सिस्टम बेसिकली बनाया जाएगा। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट ये कहा गया था, यहीं से पाकिस्तान वाली बात सामने निकल के आती है कि जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स रहेंगे, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रहेंगे, इनके पास में एक चॉइस रहेगा टू ऑप्ट आउट ऑफ द ग्रुथ, जिसमें भी अपनी पॉपुलेशन को ये वोट कराना चाहते थे उससे ये लोग ऑप्ट आउट करा सकते थे। मतलब एक ऐसी प्रोविंस, एक ऐसी टेरिटरी जो अपना सेपरेट रह सकती थी, सेपरेशन कर सकती थी। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान वाली बात है वो यहीं से आती है, लेकिन पाकिस्तान को डायरेक्टली जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये थे सारे के सारे आपके कैबिनेट मिशन और बाकी जितने भी मिशंस हैं, इन सब में आपस में बेसिक डिफरेंस है, जिसमें से अगस्त रिजोल्यूशन और आपका क्रिप्स प्रपोजल ये दोनों तो काइंड ऑफ सेम सी ही चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो वेवल स्कीम है और जो कैबिनेट मिशन है इसमें डिफरेंसेज हैं। और इसमें सबसे अच्छा जो प्लान आपका रहता है वो कैबिनेट मिशन आता है। इनफैक्ट कैबिनेट मिशन को गांधी ने भी एक्सेप्ट किया था, गांधी ने भी कहा था कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई थी आपकी सिस्टम। हालांकि जो जिन्ना थे उनको कैबिनेट मिशन ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं थी, और इसी कारण से फिर अल्टीमेटली 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हमारे जिन्ना साहब जो है वो अनाउंस कर देते हैं, और उसके बाद से हिंदू मुस्लिम फर्स्ट कम्युनल रॉयट हो जाते हैं। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। नोआखली में बहुत बहुत ज़्यादा जो होता है मैसेकर हो जाता है, लोगों की बहुत ज़्यादा मौत होती है, लाखों लाख लोग मारे जाते हैं नोआखली, और इसी तरीके से गढ़मुक्तेश्वर, इन दोनों जगह पर जो है बहुत ज़्यादा डेथ्स होती हैं। इनके बारे में भी देखेंगे हम लोग क्या चीज़ है। फिलहाल एक काम करते हैं, चलिए देख लेते हैं कि इनके थ्योरीज क्या क्या हैं, ताकि ये कम्प्लीशन भी आपको आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे वायसराय लिनलिथ गो थे, इन्होंने ही रिजेक्टेड रिजोल्यूशन एज इट वॉज एक्सपेक्टेड इन द प्लेस ऑफ रिजोल्यूशन। इन्होंने क्या किया था कि अपना एक प्लान दिया था 8 अगस्त 1940 को इन द फॉर्मेट ऑफ अगस्त ऑफर के रूप में इन्होंने अपना एक प्लान दिया। अगस्त ऑफर में क्या दिया था, अगस्त ऑफर में कहा गया ड्यू टू टर्न ऑफ इवेंट्स इन वर्ल्ड वॉर टू कांग्रेस डिसाइडेड टू हेल्प ब्रिटिश इफ़ दे अलाउ टू फॉर्म इंटरिम गवर्नमेंट, अगर अंतरिम गवर्नमेंट बनाने देते हैं तभी केवल और केवल हम लोग जो है वर्ल्ड वॉर टू में, मतलब कांग्रेस ने बोला वर्ल्ड वॉर टू में हम हेल्प करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और इसकी जगह पर अगस्त ऑफर दिया, जिसमें यह कहा गया डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ वायसराय काउंसिल दी जाएगी जिसमें क्या है कि मेजॉरिटी जो है इंडियंस की रखी जाएगी, इसके अलावा एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी आफ्टर द वॉर वेयर इंडियंस कुड डिसाइड द कंस्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंसेप्शंस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिफेंस माइनॉरिटी राइट्स ट्रीटीज विद स्टेट ऑल इंडिया सर्विसेज, इन सब के बारे में ये लोग अपना निर्धारण कर सकते थे। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी, ठीक है।
अब यहाँ पर रिस्पांस के तौर पर क्या आता है, रिस्पांस के तौर पर नेहरू ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और ये कहा था कि जो डोमिनियन स्टेटस है, दिस कंसेप्ट इज़ डेड एज अ डोर नेल। अब क्या है, हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस के बारे में बातें कर रहे हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं डोमिनियन स्टेटस वगैरह सब पुरानी बातें हो गई। गांधी हैज़ सिमिलर ओपिनियन, जबकि मुस्लिम लीग जो होती है वो हैप्पी थी क्योंकि वीटो एश्योरेंस वगैरह मिल गया था। इवेल्यूएशन के तौर पे बात किया जाए, फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेंस डोमिनियन स्टेटस जो होता है वो अब मान लिया गया था। इंडियंस रिक्वेस्टेड टू फॉर्म काउंसिल टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देमसेल्फ। जुलाई 1941 में वायसराय की काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी अल्टीमेटली इनलार्ज की गई और इंडिया की जो मेजॉरिटी है 8 out of 12 हो गई थी पहली बार। ब्रिटिश रिमेन्ड इन चार्ज ऑफ डिफेंस, होम फाइनेंस एंड होम। डिफेंस काउंसिल वॉज सेटअप विद प्योरली एडवाइजरी फंक्शन, ये सब जो है स्टार्ट की गई थी और इसी नेशनल डिफेंस काउंसिल में ही इंडियंस के रखने की बात कही गई थी। अब यहाँ पर कांग्रेस के बारे में बात करें तो रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इनका विज़न बहुत ही क्लियर था। मुस्लिम लीग ने भी रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इनको इंडिया को मतलब कि डिवाइड करना था, पाकिस्तान चाहिए था, इस वजह से अगस्त ऑफर क्या हो गया, फेल हो गया अल्टीमेटली। कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में हम लोग देखेंगे और पाकिस्तान के डिमांड वगैरह देखेंगे जब हम लोग अभी आगे बात करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। फिलहाल हम लोग बातें कर रहे हैं क्रिप्स मिशन के। तो कांग्रेस जो होता है अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन लाया जाता है और क्रिप्स मिशन जो है 11 मार्च 1942 को अनाउंस की जाती है, 23 मार्च 1942 को ये इंडिया में लैंड कर जाती है और 30 मार्च को इन्होंने अपना दिस रिकमेंडेशन जो है, अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर देते हैं। तो ये मिशन जो होता है वो स्टैनफोर्ड क्रिप्स के द्वारा ही हेड किया जाता है और इन्होंने क्या है अल्टीमेटली इंडिया का ये सपोर्ट चाहते थे वॉर में। तो रीज़न क्या थे, रीज़न ये था कि जापान इन्वेजन वॉज एट द इंडियाज डोर, सो इंडिया सपोर्ट वॉज इम्पॉर्टेंट एंड इवन अलाइड पावर्स यूएस यूएसएसआर वर प्रेशरिंग ब्रिटिश फॉर द सेम। तो ब्रिटेन, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीन ये चल रहा था कि जापान एक तरफ से इंडिया में अटैक कर रहा था, जो इंडिया का साउथ नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है यहाँ से जापान अटैक कर रहा था म्यांमार के इलाके से और यहाँ पर सपोर्ट करने वाली थी आज़ाद हिंद फोर्स INA और सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पूरी चीज़ें पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पर क्या है कि जापान का इन्वेजन जो होता है ये एक थ्रेट बन रहा था, ये थ्रेट दो लोगों के लिए बन रहा था, एक तो इंडियंस के लिए भी बन रहा था और इस समय एक्चुअली क्या था, सारे लोग गिरफ्तार थे क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था 1942 में और अल्टीमेटली सारे लोग जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और फिर ना करके 1944 में जो मेंबर्स हैं, जो लीडर्स हैं वो छोड़े जाएंगे, तो इस कारण से जो गिरफ्तार थे तो इस समय क्या है कि राजगोपालाचारी थे ये बेसिकली थे और इन्होंने क्या है कि अपना एक CR प्लान भी दिया था आगे जा करके, इसको भी हम लोग देखेंगे कि CR प्लान क्या है। फिलहाल अगर बात करें तो जापान के इन्वेजन का एक खतरा था, इंडियंस को ये खतरा था कि यार कहीं अब ब्रिटेन के बाद हम लोग जापान के गुलाम ना बन जाएं, और ब्रिटेन को ये डर लग रहा था कि यार जापान अटैक कर देगा तो हम लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हमें छोड़ना पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं दोनों को थ्रेट था। इंडियन नेशनलिस्ट हैड एग्रीड टू सपोर्ट द एलाइड कॉज, इस वजह से क्या है अल्टीमेटली एलाइड को इन्होंने सपोर्ट करने की बातें कहीं। एंड सब्सटैंशियल पावर वॉज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली एंड कम्प्लीट इंडिपेंडेंस गिवन आफ्टर द वॉर। अब यहाँ पर अल्टीमेटली होता है कि क्रिप्स मिशन को फोर्स किसने किया था, तो वर्ल्ड हिस्ट्री ने फोर्स किया था क्योंकि इस समय वर्ल्ड वॉर चल रही थी और ब्रिटेन मतलब कि USSR और अमेरिका दोनों ने ही प्रेशराइज किया और इस तरीके से आया था। वर्ल्ड वॉर टू वॉज गोइंग एंड एलाइज जो है वो फॉल कर रहे थे, जापान का नया अल्टीमेटली एक्टर निकल के आया था पर्ल हार्बर के रूप में, जापान वॉज रूलिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इस समय जापान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था और उसी समय हमारे सुभाष चंद्र बोस जो होता है वो जापान पहुँच गए थे, तो जापान अटैक कर दिया ब्रिटिश इंडिया पर, तो ब्रिटिश अब क्या है डबल जो है बाउंसर्स आ गए थे, अब क्या करें, तो US चाइना और बाकी सारे कंट्रीज जो होता है ब्रिटेन को जो है वो डांट रहे थे, बोल रहे थे कि इंडिया को पर छोड़ो एंड इन्वॉल्व इंडियन सोल्जर्स इन टू द वॉर, देन ओनली वी विल बी एबल टू काउंटर द जैपनीज फोर्सेज। ब्रिटिश इन्होंने क्या कहा, लेट अस बाई अ न्यू चॉकलेट फॉर कांग्रेस, और इस तरीके से जो होता है वो क्रिप्स मिशन आती है। तो अभी तक क्या है, ये लॉलीपॉप चॉकलेट यही सब दे रहे थे और इस बेसिस पे जो है अल्टीमेटली आती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर में ये प्लान क्या आता है। 1942 में कांग्रेस ऑर्गेनाइज अ सेशन एंड रिजेक्टेड क्रिप्स प्लान, लेकिन पहले देख लेते हैं क्रिप्स में प्लान में है क्या क्या। तो ये वही अगस्त रिजोल्यूशन जो आया था उसी का ही अपडेटेड फॉर्मेट था। यहाँ पर क्या होती है, डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा एंड परमिशन टू ऑप्ट आउट कॉमनवेल्थ एंड फ्री टू जॉइन एनी इंटरनेशनल बॉडी इंक्लूडिंग UN आफ्टर द वॉर।
कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है वो बनाई जाएगी ताकि आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना सके। यहाँ पर जो है इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे बाय द प्रोविंशियल असेंबली थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टी नॉमिनेटेड टू द प्रोविंसेस। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट है वहाँ से नॉमिनेटेड बंदे और जो इलेक्टेड बंदे हैं वो प्रोविंसेस से आ जाएंगे। ब्रिटेन अब क्या करेगी, इट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन दो कंडीशन में, क्या क्या, एनी प्रोविंस willing to join the union could have a separate constitution to form a separate union। बेसिकली पाकिस्तान की बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई अलग से चाहता है तो अलग अपना बना सकता था, दैट इज़ द पाकिस्तान, ठीक है। एंड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू नीगोशिएट ट्रीटी टू एफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर इन टू सब गॉड रिलीजियस एंड रेशियल माइनॉरिटीज़। इसके अलावा डिफेंस जो है वो हमेशा ब्रिटिश के ही हाथ में रहेगा लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंडियंस के हाथ में दे दिया जाएगा। The proposal differed for those offered in the past in many ways। पुराने से क्या अलग था, The making of constitution was to be solely in Indians now। अब क्या है, सारे इंडियन के हाथ में आ गया था, लेकिन after the war ये चॉकलेट ही है, ये ओरिजिनलिटी नहीं है। A concrete plan was provided for the constituent assembly, option was available any province to separate, जैसे कि इंडिया के पार्टीशन का एक blueprint। तो इस तरीके से जो होता है कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इनको इंडिया पाकिस्तान नहीं मिल रहा था, इनको जो है सेपरेट कंस्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी और डिवीज़न ऑफ नेशन चाहिए था सीधे सीधे, ठीक है। फिर अल्टीमेटली क्या होती है, क्रिप्स मिशन जो होता है वो फेल हो जाता है। इसके फेलियर के लिए क्या क्या कारण है, कांग्रेस ऑब्जेक्टेड डोमिनियन स्टेटस राइट ऑफ प्रोविंस टू सीड रिटेंशन ऑफ गवर्नमेंट सुप्रीमेसी, ये सब चीज़ें खैर पुरानी है। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिया की तरफ से नेहरू और मौलाना आज़ाद गए थे निगोशिएट कराने के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा ये दो लोग थे जो निगोशिएट कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने भी जो होता है अल्टीमेटली जो होता है वो माना नहीं था क्योंकि उनको पाकिस्तान बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ चाहिए था। और इसके बाद से अल्टीमेटली क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है जिसके बारे में हम लोग सेपरेट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर में शिमला समिट या फिर जो आपकी वेवल प्लान है वो क्या है और कहाँ से आता है। तो वेवल प्लान के बारे में अगर बात किया जाए तो ये आती है 14 जून 1945 को। इस समय क्या होता है, इन्होंने कहा कि यार देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्मूदनेस के लिए हमें एक कंसेंसस चाहिए, हमें मिल करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और उसके लिए देसाई लियाकत पैक्ट हो जाती है। और यहाँ पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अपने आप को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव भेजने की बात करते हैं इंक्लूडिंग 20% रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़। ये मानते हुए वेवल प्लान में क्या लिखा था, वेवल प्लान में ये कहा गया देखिए कि उस समय इलेक्शन होने वाला था इंग्लैंड में जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। इसमें यह कहा गया कि विद द एक्सेप्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, बाकी जितने भी मेंबर रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में वो सारे इंडियंस रहेंगे। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम को हम लोग इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। इसके अलावा रिस्ट्रक्चर्ड काउंसिल वॉज टू फंक्शन एज इंटरिम गवर्नमेंट, ये एक इंटरिम गवर्नमेंट के तरीके से काम करेगी जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। गवर्नर जनरल अपने वीटो का एक्सरसाइज केवल एडवाइस ऑफ मिनिस्टर के ही बेसिस पे करेगा जो कि इंडियंस होंगे। कांग्रेस अल्टीमेटली इस प्लान को अल्टीमेटली क्या होती है, नहीं मानती है क्योंकि वो हिंदू पार्टी के रूप में निकल के आ जाती है, जबकि मुस्लिम लीग कहती है कि नहीं सारे मुसलमान मेंबर जो होता है वो मुस्लिम लीग के होने चाहिए। और इस तरीके से क्या होता है कि ये भी फेल हो जाती है और ये शिमला कॉन्फ्रेंस में होता है और अल्टीमेटली डेलीगेट्स 21 जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। गांधी जी उस समय शिमला में ही थे लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्लान में क्योंकि इनको पहले से ही आइडिया रहता है कि इस तरीके की बातें हो सकती हैं और अल्टीमेटली जो है यहाँ पर इशू क्रिएट हो भी जाता है। अल्टीमेटली 10 जुलाई 1945 को इलेक्शन होता है। इलेक्शन में क्या होती है कि कंजर्वेटिव पार्टी विंस्टन चर्चिल और लेबर पार्टी क्लीमेंट एटली, ये दोनों लोग रहते हैं और इस तरीके से रेजीम चेंज हो जाती है ब्रिटेन में और क्लीमेंट एटली जो है वो फोर्स में आ जाते हैं। अल्टीमेटली जो होता है यहाँ पर क्लीमेंट एटली जब आते हैं तो उन्होंने इंडिया में इलेक्शंस को डिक्लेयर कर दिया कि फटाफट इलेक्शन कराए जाने चाहिए और वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और इस तरीके से एक तो ये इलेक्शन कराना है, दूसरा कंस्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश करिए कंस्टिट्यूएंशन बनाने के लिए। तो दोनों काम जो होता है इन्होंने आते ही डिक्लेयर कर दिया था कि इलेक्शन कराना है और दूसरा कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाती हैं। अब इलेक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, पहली चीज़ है इलेक्शन इन इंडिया तो दो लेवल पर हुई, सेंट्रल लेजिस्लेचर इस टाइम पे और प्रोविंशियल वाले टाइम पे, दोनों के बारे में दोनों जगह पर इलेक्शन हो जाती है। इलेक्शन होने के बाद में फिर अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन आ जाती है इंडिया। अभी कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी नहीं है, ध्यान रखना है कंस्टिट्यूएंट असेंबली अभी नहीं बनी है, अभी आगे जाकर के बनेगी। तो अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन जो होता है 24 मार्च 1946 वो आ जाता है। इसमें मेंबर कौन कौन रहते हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस रहते हैं, स्टैनफोर्ड क्रिप्स रहते हैं और अलेक्जेंडर रहते हैं।
रिपोर्ट 19 मई 1946 को पब्लिश की जाती है और यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि दूसरा टारगेट है जो अभी बचा हुआ है, यहाँ पर यह हुआ कि यार मेंबर कैसे लाए जाएंगे, तो कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन करा देते हैं। एटली ने कहा नो, कोई इलेक्शन इलेक्शन नहीं होगा, बहुत टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से आप लोग अपने मेंबर को भेजिए। और अल्टीमेटली 292 मेंबर्स जो है वो प्रपोज किए गए थे कि चलो ठीक है 292 मेंबर्स रहेंगे, वो भेजे जाएंगे। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का आइडिया प्रपोज हुआ था। 14 मार्च को अल्टीमेटली एटली ने कैबिनेट मिशन को प्रपोज कर दिया। फिर 10 दिन बाद जो है कैबिनेट मिशन को बना दिया गया था, मेंबर्स वगैरह इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। मई में कैबिनेट मिशन को रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई थी। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी गई थी और 12 अगस्त 1946 को अल्टीमेटली इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। जवाहरलाल नेहरू को मतलब बुलाया गया था और अल्टीमेटली यहाँ पर जो है इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। तो इन लोगों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, सो डोंट वरी। हमें क्या है फिलहाल बात करना है, कैबिनेट मिशन का प्लान था क्या। तो एटली गवर्नमेंट अल्टीमेटली अपने कुछ मेंबर्स के साथ में मिल करके एक मतलब दिस डेडलॉक को कम्प्लीट, कांग्रेस और मुस्लिम डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए और ब्रिटिश पावर को, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए कैबिनेट मिशन बनाया जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि वाई ब्रिटिश विड्रॉल सीम्ड इमिनेंट बाई 1946, इतना आतुर क्यों हो गए थे देने के लिए। सक्सेस ऑफ नेशनलिस्ट फोर्स इन द स्ट्रगल फॉर हेजमनी, डीमोरलाइजिंग अमन ब्यूरोक्रेसी एंड लॉयलिस्ट, लिमिटेशन ऑफ कंसिलिएशन एंड रिप्रेसिंग स्ट्रेटजी ऑफ ब्रिटिश। इसके अलावा रॉयल इंडियन नेवी, ये रिवोल्ट हो रही थी, ऑफिशियल रूल सीम्ड इम्पॉसिबल, उस कारण से अल्टीमेटली ये लोग ट्रांसफ़र करने पर रुके हुए थे। क्या मेजर रिकमेंडेशंस थी इस कमेटी की। पहला कि तीन ग्रुप में बांट दिया जाएगा प्रोविंसेस को, ए बी एंड सी, तीनों के बारे में हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से एरियाज होंगे। पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया गया था, प्रोविंशियल टू हैव ऑटोनॉमी एंड रेसिडुअरी पावर, जो प्रोविंसेस रहेंगे उनके लिए रेसिडुअरी पावर उनके हाथ में आ जाएंगी। कॉमन सेंटर फॉर डिफेंस कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, थ्री टायर सिस्टम रहेगा, एग्जीक्यूटिव प्रोविंसेस एंड इन दिस प्रिंसिपल स्टेट और यूनियन लेवल का, और इस तरीके से जो होती है ये सिस्टम बना दी गई थी। तो ये थी पूरी कैबिनेट मिशन के बारे में और इन सब के बारे में। अल्टीमेटली हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी इनसे जो भी रिलेटेड इश्यूज हुए थे और जो भी घटनाएं हुई थी, और फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हुए इंडिया को आज़ाद करा देंगे और आज़ाद इंडिया की बातें करेंगे। ठीक है, चले फिर, कोई डाउट रहेगा तो आप अपने डाउट को ईमेल और टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं, और दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, फटाफट जाइए ज्वाइन कर लीजिए और डाउट रहेगा तो डाउट को पूछिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।